भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को लेकर अब हर दिन आपको नई खबरें मिल रही होंगी। खबरें ये कि पावर स्टार पवन सिंह नेपाल में सिंह इज फायर की शूटिंग कर रहे हैं। वैसे हम आपको इस फिल्म की जानकारी दें, इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस साल पवन सिंह के जो सावन के गीत हैं वो लगभग नहीं आएंगे। जी हाँ, और पवन सिंह ने जो गाने शूट किए थे वो भी इन दिनों तो बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं किए जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों सावन के गीतों की बहार है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो ज़्यादातर म्यूज़िक चैनल सावन के गीत ही रिलीज़ करेगी, तो ऐसे किसी भी नॉर्मल गीत को रिलीज़ नहीं करना चाहेगी। नॉर्मल गीत को रिलीज़ करके म्यूज़िक कंपनी अपना घाटा तो बिल्कुल करवाना नहीं चाहेंगी। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह ने 4 जो गाने शूट किए हैं उनके वो गाने रिलीज़ तो होंगे, लेकिन अभी उनमें भी देरी है। तो खैर, पवन सिंह के जितने भी फैंस हैं वो निराश मत होइए, आगे की जो जानकारी है वो खुशखबरी वाली है। खुशखबरी वाली ये है कि पवन सिंह की जो फिल्म नेपाल में शूट हो रही है बहुत ही एक्सपेंसिव यानी कि महंगी फिल्म शूट हो रही है। साथ ही साथ इस फिल्म को लेकर हम आपके लिए इतनी जानकारी ज़रूर दे देते हैं कि ये फिल्म बहुत ही खास होने वाली है। खास तो इसलिए क्योंकि पवन सिंह के जो छोटे भाई हैं ऋतिक सिंह, वो उनके साथ सेकंड लीड में नज़र आएंगे। और तो और काफ़ी लंबे अंतराल बाद, लगभग 6 साल बाद, वो बतासा चाचा के साथ नज़र आएंगे। सुशील सिंह के साथ हाँ उन्होंने फिल्में की थी, लेकिन उसमें भी काफ़ी गैप हो गया है, तो सुशील सिंह भी आपको नज़र आएंगे। हो सकता है फिल्म में संजय पांडे भी नज़र आ जाए। तो भाई, इस जो फिल्म का इंतज़ार सभी को होगा, क्योंकि इसमें पवन सिंह के साथ काफ़ी मंझे हुए एक्टर काम करते आपको नज़र आ सकते हैं। तो ये वीडियो जो था आपके लिए था, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पवन सिंह से रिलेटेड थी तो हमने सोचा आपको दे दी जाए। तो भले ही आप सावन के गीतों को लेकर थोड़े से निराश होंगे, लेकिन उसके बाद आपको निराशा झेलनी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।